एक वीडियो है एमएस वर्ड का। जैसा क्या है कि पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑप्शन बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे पहला पार्ट में हमने बताया भी था कैसे ओपन किया जाता है। देखिए दोस्तों क्या है कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बताया है, जो पांच पार्ट वीडियो का बन चुका है उसमें बताया गया ये क्लिप बोर्ड ग्रुप का, ये फॉन्ट ग्रुप का, ये पैराग्राफ ग्रुप में अभी हम बता रहे थे। फिलहाल हमने ये लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट बता दिए थे। मुझे लाइन स्पेसिंग के बारे में बताना है, ये ऑर्डर का शॉर्ट ऑर्डर के बारे में, ये कैरेक्टर शो हाइड करने वाला, और ये टेबल के बारे में बॉटम बॉर्डर, यह ऐसी शेडिंग के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, चलिए लिख लिए कुछ टाइप का और लिखे। ठीक है आपको अगर लिखने नहीं आता है तो देखिए लिखेंगे कैसे, हम आपको बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे करिए, माई नेम इज सलमान हुसैन। ठीक है और इंटर कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है ये भी लिखने का एक तरीका है, या तो आप यहाँ पे ऐसे आइए और यहाँ स्पेस दे दीजिए, इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हैं। ठीक है कंट्रोल भी कर लीजिए, हो जाएगा, सबसे अच्छा है, बेस्ट तरीका है। ठीक है कंट्रोल जेड हम फिर कर लेते हैं और हम जो पहले लिखे थे वो पहले ला लेते हैं। आप कुछ लिख के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों और ये लिखने वाला भी आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे। ये लाइन स्पेसिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पे, चलिए ये एक पेज है, ये क्या है एक पेज है, एक पेज में इतना वर्ड लिखा है। ठीक है कंट्रोल प्लस के कंट्रोल दबाए रखेंगे और स्क्रॉल को ऊपर करेंगे तो ये जूम इन होगा। ठीक है चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है जूम इन जूम आउट, ये होगा एक लाइन। देखिए ये एक लाइन है और इसके बीच कुछ गैप है, ऐसे कहने का मतलब ये दो लाइन हम सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच में देखिए गैपिंग कितना है। ठीक है ये दोनों लाइन के, ये एक लाइन ये दो लाइन, इसके बीच में जो गैपिंग है इसी को कम करता है। देखिए यहाँ से करेंगे एक, जब करेंगे ये गैपिंग थोड़ा कम कर दिया है, और एक से भी थ्री करेंगे तो देखिए गैपिंग बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों ये हर लाइन का गैपिंग बढ़ा देगा। ठीक है आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर सेलेक्ट करेंगे देखिए एक पैराग्राफ का करता है। देखिए ये क्या है, ये एक एक पैराग्राफ है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अगर कोई भी इसमें करते हैं आप तो इसका लाइन स्पेसिंग कम कर देगा, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं इतना सारा। ठीक है वर्ड अब इसको हम चाहते हैं और कम करना तो एक पंद्रह कर दीजिए पहले जैसा था, इस बीच के लाइन को गैपिंग कर रहा है कम, ये दोनों लाइन के बीच का गैपिंग को कम कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे हम चलते हैं 2.5 करेंगे तो यहाँ से 2.5 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 1.5 करेंगे, और इससे भी कम करना है आपको। यहाँ से चलिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में चलिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करिएगा तो कम 0.5 से कम नहीं होगा, यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए एकदम 0.5 हो गया, यहाँ से जाके आप 1.15 कर सकते हैं जो पहले था। ठीक है डिफ़ॉल्ट था, लाइन स्पेसिंग में जाते हैं तो कुछ और ऑप्शन देता है। देखिए लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ करना है ये सब, ये वाला ऑप्शन जो बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ और आउटलाइन लेवल पर भी कुछ नहीं करना है। लेफ्ट देखिए लेफ्ट ये इंक्रीज इंडेंट, इसको बताया थे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, ये कर ये वाला पॉइंट जो है उसके यहाँ चला आएगा, यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, यही बता यही बताया गया था। ठीक है इससे आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से भी, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है यहाँ पे ही करना है इतना ही, और 1.15 कर दिए पहले जैसे, यानी आप समझ लिए कि लाइन स्पेसिंग आपको कम करना है इस दोनों बीच के, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, ये क्या है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ से एकदम इक्वल लाइन है, ये इक्वल सेलेक्ट हुआ है ना। अब नीचे भी जो ये नीचे देख रहा है यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ से एकदम होना चाहिए, एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड किया हुआ है। इसे कहने का मतलब ये मान लीजिए एक लाइन इसको हम इसमें का रेड कर देते हैं, मान लीजिए रेड कर देंगे। ठीक है इसको ऐसे कर देंगे रेड के ऊपर जरका लगेगा, ठीक है जरका भी नहीं, ये इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है और यहाँ से जरका
इन्हें लाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये दूसरा पेज में है, क्या है ये दूसरा पेज में है ना। अब जैसे ही यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इतना एकदम बराबर सेलेक्ट किया है, इसमें एक लाइन एड एक्स्ट्रा हो गया, तो हम चाहते हैं ये जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, ये इस पेज में लाना है मुझे। यहाँ तक मुझे काम था, ये इतना लिखा है जितना दूर, यहाँ तक मुझे इस पेज में आना चाहिए, एक पेज में ही एडजस्ट हो जाए, इसके आगे जो भी ये आगे है। देखिए ये दिखा रहा है आपका, यहाँ पे चलेंगे लाइन स्पेसिंग पे, तो दिखा रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ रिमूव करिएगा, यहाँ के बीच का लाइन का ख़त्म हो जाएगा, पैराग्राफ के बाद जो भी स्पेस बचा था वो ख़त्म हो जाएगा और एक लाइन और ऐड हो जाएगा। ये ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे एक लाइन ला के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ से आप इंटर करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ से अभी कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कुछ आपको नहीं करना था, यहाँ पे आप पहले आइए सेलेक्ट कर लीजिए इसको, सबको सेलेक्ट करिए, ठीक है। सबको जब सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ से जब जाकर सेलेक्ट करिएगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पहले कम करिए, इसको इसका पैराग्राफ कम करिए, एक एक पैराग्राफ का कम करना पड़ेगा। जैसे करिएगा तो ये एक लाइन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है ये सेलेक्ट किए हैं, और ये कहाँ का कम हो रहा है, ये जो गैपिंग हो रहा है पैराग्राफ के बाद का, जो भी स्पेस बच रहा है इसी को कम कर रहा है, ठीक है। और एक लाइन ऐड हो गया होगा, देख सकते हैं एक लाइन और इसमें का ऐड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, इसके ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं इतना दूर, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी पैराग्राफ ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए इतना दूर जब नीचे आ रहा है ये पैराग्राफ के नीचे, तो यहाँ आप चाहते हैं स्पेस एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के ऊपर भी इतना बिफोर जगह ले लेगा और एक लाइन ये इसमें से इसमें चला जाएगा, देख सकते हैं उस पेज का उस पेज में चला जाएगा। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप चलेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो स्पेस आ रहा है नीचे स्पेस पैराग्राफ से, ये एड स्पेस पैराग्राफ आप करके ऊपर भी ला सकते हैं ऐसा पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों। ये रिमूव कर दीजिए और नीचे का भी करिएगा रिमूव, तो रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप बार बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम थोड़ा सा कुछ लिख लें, लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लाइन स्पेसिंग का कार्य हो गया, और ऐसे ही हम चलते हैं इंटर थोड़ा दबाओ हम, देखिए यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन लिखे, जैसे मान लीजिए फिलहाल हम ए बी सी डी लिखते हैं, डी कहीं लिखे, कहीं जी लिखे, कहीं ए के लिखे, कहीं यू लिखे, कहीं ए बी एक्स आर टी यू। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, हम इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे, इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे, जब कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि देखिए ये ए बी सी डी के रूप में है, अगर मुझे करना हो इसको, देखिए ए बी सी डी के रूप में अगर कंटिन्यू चलता आ रहा है तो उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आता है कि इधर उधर हो, जैसे ये इधर उधर है अभी, जैसे असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके ओके करेंगे तो देख सकते हैं आप ये ए बी सी डी लाइनों से कर दिया एकदम एक क्लास में, और डिसेंडिंग करिएगा तो उसका अपोजिट कर देता है। ऐसे आप समझ गए हैं, अगर ऐसे नहीं समझे हैं तो एक और ख़राब एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक दो तीन चार, नहीं नहीं यहाँ पे पाँच आठ नौ सात, चलिए ऐसे चलेगा, ठीक है। अच्छा इतना ही मान लीजिए, तो मुझे एक दो तीन से शुरू होना चाहिए ना, जो पहले कम है, मतलब कंटिन्यू मुझे चालू करना है असेंडिंग ऑर्डर से, तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे करेंगे तो ये एक दो जो सबसे कम है वही आने लगेगा, एक दो पाँच आठ जैसे सीरियल वाइज सीरियल आने लगेगा। डिसेंडिंग करेंगे यहाँ से जाकर नंबर करना है, ठीक है। डिसेंडिंग करेंगे तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा उसी का, तो इसको भी आप समझ गए होंगे हमको लग रहा है जैसे, ठीक है। अब चलिए इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर दिखा रहा है, जैसे ये जिसे इसे क्लिक करेंगे तो हाइड करने लगेगा। देखिए यहाँ पे स्पेस कुछ लिए रहेंगे, चाहे इंटर जहाँ प्रेस किए रहेंगे तो ऐसा सिम्बॉल बना देगा, और स्पेस यहाँ पे लिए हैं तो डॉट का सिंबल बना देगा। इसका क्या यूज है, टेबल में आपका काम आएगा, आगे इसका यूज आएगा, देख सकते हैं आप। जैसे ही इसे क्लिक कर दीजिएगा, आप फिर ऑफ करना हो तो ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर दीजिए तो ये दिखाने लगेगा कि यहाँ पे आपका शो हो रहा है, आपने यहाँ पे इंटर प्रेस किया है, ठीक है। स्पेस जहाँ स्पेस किया है वहाँ पर डॉट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर शो आपको करना हो ऐसा कुछ सिंबल तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या काम है, तो शेडिंग करने के लिए, देखिए एक पैराग्राफ को शेडिंग आसानी से कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ पे कर्जर रखिएगा तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक है,
यहाँ तक है पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको भी ये ऐड कर लेगा, कलर कर लेगा, ठीक है। अब फिर नीचे वाला आप चाहते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जहाँ भी आप करिए यहाँ पर रखिए या सेलेक्ट करके करिए, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक। और देखिए एक बात बता दें कि अगर आप यहाँ पर रखते हैं, आप सबसे पहले ही ऐसे कर लेते हैं, तो आप इसमें लिखिएगा तब मज़ा आएगा, दूसरे कोमा का ठीक है। यहाँ से आप जाकर सेलेक्ट करिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से साइज बढ़ा दीजिए, इसका इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलरवा खूब बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, एनिमल खराब, ठीक है। यहाँ से शेडिंग भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक शेडिंग बन गया, तो ये यहाँ से बनता है, जैसा आप चाहे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कंट्रोल जेड से फिर वापस कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर लग गया पैराग्राफ में, यहाँ भी आप इसको पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, या आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इतना, और ठीक है जितना सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड बॉर्डर है, यहाँ पे नो बॉर्डर पहले करिए, यहाँ पे नो बॉर्डर करिए, हटाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और यहाँ से जाके नो बॉर्डर कर देंगे, ठीक है, फिर ये सब हट जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं, इतना सेलेक्ट किए हैं और इतना कह रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट साइड से बॉर्डर लग जाए, लेफ्ट साइड सिर्फ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हैं जैसा आउट साइड बॉर्डर लग जाए, आउट साइड, यहाँ पे जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर, आउट साइड बॉर्डर, इन साइड बॉर्डर, जो भी लगाना हो, और टॉप बॉर्डर, टॉप हेडम, टॉप हीडर बटन, सब ये कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आपको इतना ही करना है, बॉर्डर के जगह पर टेबल भी हम इंसर्ट में सीखेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है एमएस वर्ड में, ठीक है दोस्तों, वैसे ही ये आपको जानना जरूरी है। फिलहाल टेबल में जब जाइएगा ना तो इसका सब यूज होता है जो आज बता रहे हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग में कुछ खास यूज नहीं था, यहाँ से भी आप नॉर्मली कर सकते हैं, और उतना भी गैपिंग कोई नहीं रहता है एकदम। मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, इस वीडियो को आप देखिएगा तो समझ में आपको आएगा, नहीं इसलिए नहीं आएगा, ये लाइन तो जो बेसिंग है, जो गैपिंग है, इसको ज़्यादा कम कर लेते हैं, एक ऊपर ही नहीं चढ़ जाएगा, चढ़ाना नहीं है आपको, ठीक है, नहीं दिखेगा, तो नॉर्मली यहाँ से ऊपर ही आप समझ सकते हैं, कोई सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही जानते हैं, और आगे देखेंगे स्टाइल में आपको बताएंगे कि इसको बताना है या नहीं, और यहाँ से फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट बताएंगे ऑप्शन, उसके बाद तुरंत इंसर्ट ऑप्शन शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।